नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से लगातार देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगातार शोषित और वंचित लोग जो सड़कों पर उतर आए हैं और उसके बाद जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं दलित चमार जाति का हूँ। परसों मेरे साथ राजेश वाजपेयी नाम के हिस्ट्री सीटर अपराधी ने अपने साथियों बेटों के साथ मिलकर बुरी तरह से लात घूंसों से मारा। पत्रकार होने के चलते उसकी सुनी जा रही है। मैं दलित जाति का हूं, इसलिए मेरे ऊपर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वीडियो देखा आपने, ये कोई और नहीं, ये दलित है। किस तरीके से इसको मारा पीटा गया है और उसकी आंख तक जो है फोड़ दी गई है। किस तरीके से वो एक एक बात बयां कर रहा है, आप समझिए। किस तरीके से लगातार शोषित लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लगातार ऐसे ही माइनॉरिटी वर्ग के जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी लगातार जेलों में ठूसा जा रहा है और उनके साथ भी बर्बरता हो रही है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं, वो लिखते हैं, दलित राष्ट्रपति बने या आदिवासी, जब तक थानों पर उनकी ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक बदलाव की क्या उम्मीद करें। सच ये है कि आज भी दलित समाज अपने प्राथमिक अधिकारों से वंचित है। पुलिस मुकदमा तक नहीं दर्ज करती उसकी गुहार पर, इसकी जांच करें। उन्होंने रिपोर्ट किया है यूपी पुलिस में कि इसके ऊपर संज्ञान लें। इस तरीके से जो लगातार जो कृत्य और एक काम हो रहा है वो लगातार उत्तर प्रदेश में उसको अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद अब ये दूसरी वीडियो देखिए आप। देखा आपने किस तरीके से इस युवक को जो है लात घूसों से मारा गया है। उसके बाद ये युवक रो रो के अपनी हकीकत बयां कर रहा है और सोचिए किस तरीके से इसके साथ किया गया। ये आखिर युवक कौन है? ये युवक टीटी है। जी हाँ, अब मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के बताती हूँ। गोविंद कुमार ने लिखा है, बिना टिकट यात्रा कर रहे जीआरपी दरोगा को टीटी दिनेश कुमार सिंह ने पैसेंजर आने के बाद सीट खाली कर देने को कहा तो दरोगा ने बख्तियारपुर स्टेशन पर अन्य जीआरपी जवानों के साथ मिलकर ट्रेन में ही टीटी की धुनाई कर दी। सोचिए, मामला दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की ट्रेन का है। भारतीय रेल जो है वो संज्ञान ले। सोचिए, एक टीटी के टिकट पूछने पर दरोगा जी किस तरीके से लात घूसक करने पे आ जाते हैं, मारपीट करने पे आ जाते हैं अपने आप को, जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं वर्दी का रोब। सोचिए कि वर्दी का रोब जो है किस तरीके से एक आम आदमी पर कहर बरपा रहा है। अभी मैंने पुलिस दरोगा जी की बात कही, वहीं पर अब ये पुलिसधारी जो लोग हैं, वर्दीधारी लोग हैं, इनके गलों में आप देखिए, ये तस्वीर स्क्रीन पे देखिए आप, किस तरीके से इनके गलों में संतरी भगवा जो पटका है वो पड़ा हुआ है। जी हाँ, वर्दी पहनकर इस तरीके के संतरी पटके को जो ये मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, और संतरी पटका इनके गलों में डला हुआ है वो वर्दी के ऊपर है। जी हाँ, वहीं कभी आपने ये न्यूज में सुना होगा कि एक मुस्लिम युवक जो था पुलिस में था तो वो दाढ़ी नहीं रख सकता, तो वहीं उसकी दाढ़ी को लेकर जो है पुलिस वाले पर लगातार किस तरीके से गोदी मीडिया ने, इस मनुवादी मीडिया ने एक न्यूज चलाई, आपने वो भी देखा। लेकिन अब ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा किस तरीके से ये वर्दीधारी एक पटका डालकर, संतरी पटका डालकर किस तरीके से एक खुलासा कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो ये गलों में पटका डालकर एक पुलिस स्टेशन के अंदर अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ट्वीट कर ये कहा जाता है, अगर कोई मुस्लिम पुलिस वाला टोपी या दाढ़ी रख ले तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भगवा पहना जाता है, मूर्तियां रखी जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सोचिए, एक दाढ़ी और टोपी रखने पर जो एक पुलिस वाला दाढ़ी रखता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, वहीं ये पुलिसधारी जो वर्दीधारी हैं वो पटका डाल लेते हैं, इस तरीके से भगवा पहनकर तस्वीरें खिंचवाते हैं पुलिस स्टेशन में ही, इस तरीके के काम को अंजाम दिया जाता है, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। भाई आपको बता दूं, घरेलू गैस जो है, एलपीजी गैस जो है, उसके दाम बढ़ गए हैं लगातार 1053 रुपए की। अब गैस सिलेंडर जो है लोग रसोई गैस लेंगे। सोचिए,
जो स्मृति ईरानी लगातार इस तरीके से सड़कों पर आकर 10 रुपए भी दाम बढ़ जाता था तो कैसे हंगामा काटने लगती थी, अब वो स्मृति ईरानी गायब होती नजर आ रही हैं। वहीं वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन कास्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़ाकर 4400, यहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए महंगा है। गरीब की रसोई फिर से धुआं से भरने लगी है। सोचिए अब गरीब जो है वो क्या करेगा, आखिर जिसका चूल्हा जो जलता था वो खाना पकता था, वो ये भी नहीं कर पाएंगे। लगातार जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी चरम पर है वहीं एलपीजी गैस जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसके दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मार पड़ रही है आम आदमी पर, तो वही जो समर्थन करने वाले हैं, वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, आखिर ये दाम बढ़ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है उन समर्थकों के लिए। वही आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पर जो है लगातार एलपीजी की मार पड़ रही है, लगातार गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। वही अब ये खबर देखिए आप, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कोई समीरा या फिर जुबैर या फिर इस तरीके के नाम की शाहिदा वगैरह नहीं है, ये वही हिंदू लोग हैं जो लगातार इसका शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू भी जो है लगातार मार जो है खा रहा है, वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, ये हिंदू लोग हैं आप सामने देख सकते हैं। जो लोगों का कहना है कि लगातार मुस्लिमों को टाइट कर दिया जाए इस तरीके से और लगातार उन पर शिकंजा कसा जाए, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि हिंदू लोग भी जो है यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। ये आप ट्वीट देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का हाहाकार मचा है, लेकिन इसकी चिंता न सरकार को है और न मीडिया को है। सरकार फर्जी आंकड़े गिनाने में मस्त है, मीडिया नुपुर शर्मा की डिबेट करके हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में मस्त है। वहीं आगरा में आप सोचिए, वहीं आगरा में सामूहिक आत्महत्या, भावुक सुसाइड नोट लिखकर पति पत्नी और बेटी ने खुद को फांसी लगाई है। लंबी बेरोजगारी को जो है कारण बताया है और जो आर्थिक तंगी है उसको कारण बताया है। सोचिए, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी लिखा है और उसके तहत जो है इस परिवार ने आत्महत्या कर ली और जो है सुसाइड कर लिया। सोचिए, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, लगातार जो है महंगाई चरम पर है, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं लगातार देश का डंका बज रहा है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, वाह मोदी जी वाह, वाकई में वाह मोदी जी, मोदी जी हैं तो वाकई में सब कुछ मुमकिन है। अब आप ये स्क्रीन पर देखिए किस तरीके का एनकाउंटर है, उसको अंजाम दिया गया है। जी हाँ, ये सवाल खड़ा करता है, कानपुर पुलिस ने गृहस्थी का सामान लेने गए दिलशाद का बदमाश बताकर एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक यह एनकाउंटर 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे किया गया, जबकि आरोपी के पिता ने 9:01 पर ही यूपी के आला अधिकारियों को मेल के जरिए सूचना दी थी कि मेरे बेटे का एनकाउंटर किया जा सकता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेल की तस्वीरें और किस तरीके से ये जो है अधिकारी को मेल किया गया था और लिखा गया था। सोचिए, जो अगर खान है तो उसी को टारगेट करना है, अगर वो खरीदारी घर की सामान की खरीदारी भी करने जा रहा है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है या फिर उसे उन्मादी बताकर एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। सोचिए, देश में किस तरीके के लगातार हालात पैदा कर दिए गए हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लगातार मंदिर मस्जिद हो रहा है, लेकिन वहीं एक परिवार भूखमरी से आत्महत्या कर लेता है, वहीं गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं और वहीं एक ऐसे ही इंसान की जो है दिलशाद नाम होने से एनकाउंटर कर दिया जाता है बिना कोई गवाह सबूत के, सीधा एनकाउंटर। जी हाँ, अगर नाम दिलशाद है तो एनकाउंटर जरूरी है। अब ये वीडियो देखिए आप, ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश के इंदौर की है, किस तरीके से भाजपा नेता को जूते चप्पलों से पीटा गया और पीट कर जो है वहां से निकाल दिया गया। जी हाँ, ये ऋषि आर शर्मा है, उन्होंने ट्वीट किया है, इंदौर में भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी को चप्पल जूतों से पीटती जनता, सामने आप देख सकते हैं और वो लिखते हैं, लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जो है शायद
कि लोगों के सामने बीजेपी का खुलासा होता जा रहा है, लगातार हकीकत शायद सामने आ रही है। कुछ लोग जो जाग चुके हैं हिंदू और हिंदू राष्ट्र से, तो अब उनको शायद सच्चाई सामने दिख रही है। तो इसी तरीके से जब बीजेपी नेता वहां पर अब जो है चुनाव का माहौल है वहां वोट के लिए पहुंचे, तो उन्हें जूते चप्पल से स्वागत करके वहां से भगा दिया गया। अब ये सामने आप देख सकते हैं। अब ये ट्वीट आप स्क्रीन पे देखिए, कर्नाटक में फारूकिया स्कूल अचानक बंद हो गया। क्या कभी किसी ने यह सुना है कि एक जुवे का अड्डा या फिर एक बार और रेस्टोरेंट और अय्याशी का अड्डा अचानक बंद हो गया हो? नहीं ना, लेकिन इस तरह हमारे यहाँ स्कूल जरूर बंद हो जाते हैं। सोचिए उस स्कूल का नाम फारूकी है, जी हाँ, जहाँ पे भी आपको मुस्लिम नाम दिखता है, तो इन जो हिंदू राष्ट्रीय बनाने वाले राष्ट्रवादी हैं उनको दौरे पड़ने लगते हैं, मंदिर और मस्जिद देखकर उनको जो है मिचलियां आने लगती हैं। वहीं अब जिस तरीके से उन्होंने ये स्कूल को टारगेट बनाया, उसका नाम फारूकी था इसलिए वो स्कूल बंद कर दिया गया। आप सामने ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से छात्र जो है रोडों पे उतरे हुए हैं, रो रहे हैं कि शिक्षा जैसे एक स्कूल का जो शिक्षा का मंदिर है उसको किस तरीके से द्वेष भावना से देखकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ फारूकी नाम है उस स्कूल का, इसलिए वो बंद कर दिया गया है। सोचिए किस तरीके की मानसिकता से लगातार लोगों को भरा जा रहा है, किस तरीके से लोग जो है काम कर रहे हैं। कहीं अगर किसी शहर का नाम अगर वो देख लेते हैं मुस्लिम है, अलीगढ़ है, तो वहां उनको दौरे आने लग जाते हैं, लगातार उसको चेंज करने का जो है जज्बा सामने आने लगता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। वहीं अब स्कूल का नाम फारूकी देखकर इनको मिचलियां आने लगी तो वो स्कूल बंद करवा दिया। आप ये अब घटना देखिए दूसरी, गुजरात नर्मदा नहर के शुरू होने पर लगाए थे जयकारे, मनाई थी खुशियां, 24 घंटे के अंदर टूट गया ये एक हिस्सा। आप सामने ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से इसकी जो है नर्मदा नहर के शुरू होने पर जयकारे लगाए गए थे, लगातार जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए थे और किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया गया था। वहीं अब ये नहर जो है 24 घंटे के अंदर, सोचिए 24 घंटे के अंदर वो नहर टूट जाती है। सोचिए किस तरीके से जयकारा लगाकर एक नींव खड़ी करी जाती है, किस तरीके के मटेरियल यूज करे जाते हैं, ये उसकी सच्चाई आप सामने देख लीजिए किस तरीके से वीडियो में 24 घंटे के अंदर वो दीवार ढह जाती है। अब ये एक ट्वीट देखिए आप, इस आदमी का नाम जो आप देख रहे हैं आशीष तिवारी है, जी हाँ, आपको नाम से ही अंदाजा हो जाएगा कि तिवारी साहब क्या कह रहे हैं। ये बंदा अब ये लिखता है, इतने बुरे दौर से गुजर रहा हूं, अगर मायावती भी ब्याह के लिए हाँ कर दे तो मैं मान जाऊंगा। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज को ये लोग समझते हैं और देखते हैं, किस नजरिए से ये लोग देखते हैं, तो वो आप देखिए। वही मुकेश लाहरे ने जो है ट्वीट किया है, दलित की आदर्श उत्तर प्रदेश की 4 बार की सीएम बहन मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले को जल्द से जल्द पकड़े, उससे आग्रह है पुलिस से कि जल्द से जल्द उचित जो है उस पर कार्रवाई करे। सोचिए बहुजन नेताओं को किस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से ये उन्होंने बहुजन समाज को जो दबे कुचले समाज को है लगातार किस नजरिए से ये लोग देखते हैं। वही स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, साक्षी जोशी लिखती है, हिटलर को इतिहास में जन्म देने वाला जर्मनी तक अब हमें लोकतंत्र पर तंज कसने लगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर G7 समिट में नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को काले दिन कहकर लोकतांत्रिक मूल्य की वकालत की थी और यहां जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है। सोचिए जर्मनी के जो विदेश मंत्रालय ने क्या लिखा है, जर्मनी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है, तंज करते हुए लिखा है, जर्मनी विदेश मंत्रालय का जवाब सुनिए आप, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की उम्मीद की जा सकती है, प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए, हम अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं, दुनिया भर में प्रेस की आजादी का हम समर्थन करते हैं, यह ऐसी चीज है जिसकी काफी अहमियत है और यह भारत में भी लागू है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है, पत्रकारिता
पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। सोचिए अब जर्मनी भी जो है लगातार भारत देश के ऊपर तंज कस रहा है, लगातार धज्जियां उड़ रही है भारत देश की, लेकिन फिर भी भारत का डंका बज रहा है। और सोचिए लगातार वह मोदी जी के नारे लग रहे हैं, लगातार मोदी है तो मुमकिन है के नारे लग रहे हैं। वहीं जर्मनी में मोदी जी लगातार जो है प्रेस की आजादी की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक फोटो छपता है जुबैर का, जिसने इसी तरीके का काम किया था प्रेस की आजादी पर, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसने फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने उसी को हकीकत को बयां करा था, क्योंकि एक पत्रकार का काम है सरकार से सवाल करना, उसने वही काम किया था। और लगातार वो अपने फैक्ट के तहत हर न्यूज का खंडन करते हैं और हकीकत दिखाते हैं, उसी के चलते उनकी गिरफ्तारी हो जाती है कि आखिर हकीकत क्यों दिखा दी, सरकार से सवाल क्यों कर लिया। आखिर उन्हें भी जी न्यूज के DNA यानी कि सुधीर चौधरी की तरह उन बाबा मोदी करना चाहिए था, इसलिए शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन वहीं जब ये पेपर पे खबर छपती है तो अफसोस होता है कि एक तरफ जर्मनी में प्रधानमंत्री जी प्रेस की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर ये छपती है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है। सोचिए किस तरीके के देश में हालात बन गए हैं, किस तरीके से एक के बाद एक झूठ बोला जाता है और उस झूठ को लगातार हवा दी जाती है और वाह मोदी जी किया जाता है। तो ये वो सारी खबरें थी जो आपके लिए बेहद जरूरी थी। और इन सब खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।